अगर बर्गर पसंद है ना तो ये तो जरूर पसंद आएगा। 3 उबले हुए आलू के साथ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया, चावल का आटा 1 से 1.5 बड़ा चम्मच, अमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच, आप नींबू का जूस भी ले सकते हो, और साथ में काला नमक। अगर काला नमक नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं। ये जितनी चीजें लिए ना मैंने, इन सभी को मिला लिया मैंने। अब कुछ नहीं, बस इन्हें वही टिक्की वाला शेप दे देंगे, और इसे शेप देने के बाद हमें इसे शैलो फ्राई करना है। हाँ, अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बर्गर की पैटी में इतनी सारी चीज जाती है, ये टिक्की तो बड़ी सिंपल सी लग रही है। हाँ, लेकिन जो हम बना रहे हैं ना उसके साथ ये टिक्की बेस्ट लगेगी। तो देखो, टिक्की जैसी कुछ इस तरह से फ्राई हो जाए, हम इसे निकाल लेंगे। फिर आप ब्रेड ले लीजिए या फिर पाव, उसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे। फिर उस पर हरी चटनी, टमाटो केचप। वैसे एस देखती आपके सबसे पहले मन में क्या आया? मेरे मन में तो आया सब्सक्राइब। फिर टिक्की, प्याज, टमाटर डालकर इसे सर्व कर लेंगे।